आदरणीय सभापति जी, कांग्रेस के नेताओं के बयानों में ये बयानबाजी ने शोले फिल्म को भी पीछे छोड़ दिया है। आप सबको शोले फिल्म की वो मौसी जी याद होगी। तीसरी बार तो हारे हैं, पर मौसी ये बात तो सही है, तीसरी बार ही तो हारे हैं, पर मौसी मॉरल विक्ट्री तो है ना। आदरणीय सभापति जी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं। अरे मौसी, 13 राज्यों में 0 सीटें आई हैं, पर हीरो तो है ना। आदरणीय सभापति जी, अरे पार्टी की लुटिया तो दुबई है। अरे मौसी, पार्टी अभी भी सांसें तो ले रही है। मैं कांग्रेस के लोगों को कहूंगा, जनादेश को फर्जी जीत के जश्न में मत दबाओ। जनादेश को फर्जी जीत के नशे में मत दबाओ, जश्न में मत दबाओ। ईमानदारी से देशवासियों के जनादेश को जरा समझने की कोशिश करो, उसे स्वीकार करो। आदरणीय सभापति जी, मुझे नहीं पता कि कांग्रेस के जो साथी दल है उन्होंने इस चुनाव का विश्लेषण किया है कि नहीं किया है। ये चुनाव इन साथियों के लिए भी एक संदेश है। आदरणीय सभापति जी, अब कांग्रेस पार्टी 2024 से एक परजीवी कांग्रेस पार्टी के रूप से जानी जाएगी। 2024 से जो कांग्रेस है वो परजीवी कांग्रेस है, और परजीवी वो होता है जो जिस शरीर पर उस शरीर के साथ रहता है ये परजीवी उसी को ही खाता है। कांग्रेस भी जिस पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी के वोट खा जाती है, और अपनी सहयोगी पार्टी की कीमत पर वो फलती फूलती है। और इसलिए कांग्रेस परजीवी कांग्रेस बन चुकी है।